साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खण्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
वत्सोसी नित्यं शक्तित्रयात्मकः वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यं वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूपूर्वस्वरोम् कर्णादीन् पूर्वमुच्चार्य कर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं कारिरविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं रकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्नानं सौहिता सन्धि वैशा गणेश विद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशनं कोशधारणं रदं च वरदं हस्तैरभिराणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितम् भक्तानुं कम्पिलं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आवेभूतं सृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं संयोगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते सु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश सहजी श्री निर्मला देवी नमो नमः संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं
जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन बैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे बुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता ने रखी परम पद लीन्हा पादू जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अजय कुमार कुमारी सन्हारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू बज की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनुपोवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो आती शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि धजै सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
सिद्ध करे हनुमान। जय श्री माता, जय भीम। आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली आदि शक्ति की विभिन्न स्वरूप, विभिन्न शक्तियां, विभिन्न देवियों के नाम से जानी जाती है। सभी देवियां नकारात्मकताओं का नाश करती हैं और सृष्टि के रक्षण के हेतु, मनुष्य के रक्षण के हेतु पृथ्वी पे विभिन्न कालों में आई है। सृष्टि का सृजन प्रकृति और पुरुष अर्थात शिव और पार्वती के द्वारा किया गया। जो माँ आदि शक्ति और श्री सदा शिव के ही स्वरूप है, सृष्टि के सृजन के हेतु सबसे पहले शैलपुत्री प्रथम दिवस पे और आज ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की वंदना, माँ आदि शक्ति की वंदना की जाती है। क्योंकि सृष्टि का सृजन होना था, शिव और पार्वती का मिलन होना था, उनके बिना ये संभव नहीं था। नारद जी के कही अनुसार माँ पार्वती ने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में 1000 वर्ष तक तपस्या की ताकि सती को भुलाकर या सती को पहचान कर वो माँ को पहचान सके और उनका वरण करे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमारे भीतर, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे निरंतर कार्यरत रहता है। ये हमें ज्ञान और बुद्धि, सृजनात्मकता प्रदान करता है। तो सृष्टि के दूसरे दिन, घट स्थापना के दूसरे दिन, सृष्टि के लिए घट स्थापना की इच्छा सबसे पहले घट स्थापना के रूप में और सृजन हेतु शिव को पाने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या जो भी साधक अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे माँ को इस रूप में याद करता है, उसके ज्ञान बुद्धि सृजनात्मक के ताकि पूरी तरह से वृद्धि होती है और वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है। माँ के इस रूप को हम लोग अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे जानते हैं, महसूस करते हैं। हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं और यह चक्र हमारे चित्त को भी नियंत्रण करता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क को निरंतर, मस्तिष्क की कोशिकाएं बनाकर सहयोग करता है। इसी चक्र के द्वारा हम ईश्वर को पाने का मार्ग जानते हैं। इसी चक्र के द्वारा हमारा चित्त हमारे खाने से उठ के हृदय में आता है, आत्मा में आता है और आत्मा में आने के बाद ही अवलोक के चित्त श्री सदाशिव को पाने के लिए आतुर हो जाता है।
और ऊपर की ओर गति कर पाता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र हम सब के भीतर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका बीज मंत्र वम है। वम के 6 बार उच्चारण करने से हमारा ये चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और इसका प्लेनेट बुध ग्रह है, जिस प्रकार से मंगल ग्रह मूलाधार चक्र का प्लेनेट है, स्वाधिष्ठान चक्र का प्लेनेट बुध ग्रह है। तो आइए पूरी तरह से अपने चित्त को शांत करें, पूरी तरह से शांत करें। कोई भी विचार नहीं, ना अच्छा ना बुरा, तम निर्विचार हो जाएगा। परम पावनी माँ कृपा कीजिए और मुझे निर्विचार कर दीजिए। कोई भी भूत या भविष्य का विचार नहीं, जस्ट स्टॉप थिंकिंग, जस्ट स्टॉप थिंकिंग। Just be thoughtless. बहुत सुंदर। अपने चित्त को पूरी तरह से आत्मा में रख लेंगे। हम एक आत्मा है और ये आत्मा ही देवी का वंदन करेगी, पूजन करेगी। चित्त को पूरी तरह से आत्मा में रखें, बाएं हृदय के अंदर। पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अब हम माँ की स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नवरात्रि के दूसरे दिन पे जो माँ ने स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में बताया वो अमृतवाणी सुनेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद देवी सूक्त, ब्रह्मदेव सरस्वती जी के 21 नाम, उसके बाद आरती, माँ का आशीर्वचन, माँ का प्रॉमिस और क्षमा याचना के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। जय श्री माता जी। आवर सेकंड चैप्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई टुडे इज वेरी इम्पोर्टेंट। So what is the second chakra? Do you know which one is the second chakra? What do you say? Swadhisthan. You must stand loudly. Swadhisthan. Swadhisthan is the chakra. It is very important because in this Kali Yuga, Swadhisthana works the most. We have so many agents to make it work and work very hard. You know what is in second chakra?
in the second chakra, what happens? That we are caught up by our ambition. And the ambition makes you run up and down. And I have seen many Sahaja Yogis also getting lost. So it's a very important day for all of you. So second chakra is important because in modern times it is very, very cosmic as well as active. We become very active, overactive. And we start thinking about everyone with whom we are not concerned and bothering our heads. So today's chakra is important because it bothers your head. It troubles you a lot and you start thinking about them. You start thinking, what have you said? What has happened? Who is angry? All sorts of nonsense. You are all Sahaja Yogis. So you shouldn't worry as to all these people, what they say, what they are doing. You should just enjoy yourself. Second chakra you must enjoy. That's the best way to enjoy Sahaja Yoga. Where your Swadhisthana is satisfied, nothing can disturb. And Swadhisthana you can really look after. Swadhisthana chakra is so much good for you because now you are a Sahaja Yogi and you can master it. That is one chakra which upsets, especially in the West. People think too much all the time, thinking. That's from Swadhisthana. You get that problem from Swadhisthana. To satisfy Swadhisthana, you have to take to silence. You have to take to quietude and look at yourself. What is bothering you? What is troubling you? What gives you ideas and thoughts is Swadhisthana. And some people think so much. There may not be any problem, but they create their own problem with the Swadhisthana and just go on bothering about the stuff. Swadhisthana is very happy when you are just laughing and enjoying and not bothered about nonsense. How much time we waste on nonsense? We don't need it. Sahaja Yogis don't need it. It's only those who are not yet realized must be suffering. They too suffer. And they might even trouble you, but just laugh at it. And you must pardon them, forgive them. Because they are doing this because they can't help it. You see, this Swadhisthana chakra is bothering them, so they can't help it. So now, don't allow your mind to bother about whatever nonsensical thoughts are coming. All kinds of nonsensical thoughts. You have nothing to do with them, but the thoughts are coming. Now this is the work of Mr. Swadhisthana. He's trying to distract you. You must get into silence. Once you get into silence, then he will go away and don't bother you.
So what you have to think now, not to have anything to do with Swadhisthana, but what you have to become is your Sahajupis. And no Swadhisthana should bother you. Australia is really great to have beautiful children like this. And people care for children. That is first thing you must do, is to care for your children. That is fighting your Swadhisthana. Anything bothers you, you worry about your own children. Finished. You have to bother about them. And everything will work out. You are definitely blessed. Because you are not falling to the whims of your Swadhisthana. Definitely. And that is the chakra of your control. So it makes you run up and down and think and think and think. Especially all the Sahajogis have this problem. So you should just think that you are sitting on Swadhisthana. And you have to ride it. Not to be ridden by it. When I came first year, I found everybody's head moving with the Swadhisthana. Then they became silent and very peaceful. And now I see you all and I'm very happy. Because that's gone now. All that nonsense is finished. And there is nothing bothers you. The root of all diseases is Swadhisthana. It comes from there. So you should know not to play into the hands of Swadhisthana. And go into thinking, thinking, thinking. They go on thinking, I mean, something that doesn't exist. They go on thinking. So any such thought comes in, you said, we don't want to think. Finished. I'm there to think for you. You don't think. If you have any problem, you let me know. But you don't think. What you can do, you can write it down and send the problems to me. And I would like to see it. All right? जय श्री माता जी। ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आज का ध्यान प्रोमिला जी करवाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अपने बिखरे चित्त को समेट कर हम सभी मध्य हृदय में लाएंगे। हृदय में विराजमान माँ के जगदम्बा स्वरूप को बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करेंगे। अब पूरी विनम्रता के साथ माँ के आगे हाथ फैलाकर बैठ जाएंगे। अपनी माँ के मुखारविंद की अनुपम कांति को बड़े प्रेम से निहारेंगे और सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, माँ आप ही साक्षात चित्त शक्ति हैं, चित्तेश्वरी हैं, हमें शुद्ध स्थिर और प्रकाशित चित्त दीजिए। माँ आप ही निर्विचारिता की देवी हैं। माँ
हमें निर्विचार कर दीजिए, हमारी सभी नकारात्मकताओं को दूर करके हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दीजिए माँ। माँ हमारे हृदय को सभी विकारों से मुक्त करके अपने अमृत में प्रेम से प्लावित कर दीजिए माँ। हमारे हृदय में पूरे विश्व के लिए दया, करुणा, क्षमा एवं प्रेम भर दीजिए माता जी। धीमे से चित्त को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। श्री गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। लेफ्ट हैंड गोद में और राइट हैंड को पृथ्वी माँ पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ पूरा चित्त अपना मूलाधार चक्र पर रखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड को पृथ्वी माँ पर रखेंगे और चित्त लेफ्ट मूलाधार पर प्रार्थना करेंगे। माँ आपकी कृपा से मैं बालक के समान अबोध हूँ, कृपया मेरे बाएं मूलाधार में श्री निर्मल गणेश तत्व को जागृत कर दीजिए माता जी। अब राइट हैंड गोद में और लेफ्ट हैंड को पृथ्वी माँ पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ आप ही साक्षात कार्तिकेय जी हैं, आप ही राक्षस हंत्री हैं माँ, कृपया आप मेरे सभी दुष्विचारों को, आंतरिक और बाह्य की राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करके कार्तिकेय जी की शक्तियां हमारे अंदर दाएं मूलाधार में प्रवाहित कर दीजिए माता जी। अब चित्त को मध्य मूलाधार पर लाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे माँ आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, कृपया हमें गणेश जी की सभी शक्तियों से, सभी गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हमें अबोधिता, पवित्रता, मंगलमयता, बुद्धिमत्ता और निर्भयता प्रदान कीजिए माँ। हमें सद असत विवेक और आपके प्रति अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए माँ। धीमे से चित्त को मध्य स्वाधिष्ठान पर लाएंगे। यहाँ विराजमान श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को सादर नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे माँ आप साहित्य, संगीत और विभिन्न कलाओं का उद्गम स्थान है माँ। माँ हमारे अंदर सृजनशीलता और क्रियाशीलता के गुण जागृत कर दीजिए माँ। हम बच्चे अज्ञानी हैं माता जी, कृपया हमारी बुद्धि को जागृत कर दीजिए, हमारा मस्तिष्क ज्योतिर्मय कर दीजिए माँ। हमारे अंदर की समस्त अविद्या को दूर करके अपना संपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान कीजिए माता जी। तीन ऐसे चित्त को बाएं स्वाधिष्ठान पर ले जाएंगे, बायां हाथ माँ की ओर और दायां हाथ बाएं स्वाधिष्ठान पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ आप ही साक्षात निर्मल विद्या हैं, कृपया हमें शुद्ध विद्या दीजिए माँ।
निर्मल विद्या दीजिए, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माता जी। अब धीमे से चित्त को राइट स्वाधिष्ठान पर लाएंगे। अब हम दायां हाथ गोद में और बाएं हाथ को अपने राइट स्वाधिष्ठान पर रखेंगे और दायें स्वाधिष्ठान को ठंडा करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। हे माँ, आप ही साक्षात श्री हजरत अली फातिमा भी हैं, आप ही चित्तेश्वरी हैं माँ, आप ही सर्वताप हारिणी हैं माँ। कृपया मेरे राइट स्वाधिष्ठान में हिमालय की ठंडक और चंद्रमा की शीतलता प्रदान कीजिए माता जी। मुझे सुंदर चित्त शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। चित्त निरोध की शक्ति मेरे अंदर विकसित कीजिए माता जी। अब दोनों हाथ गोद में रखेंगे, हम अपने चित्त को मध्य स्वाधिष्ठान पर लाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। इस चक्र की 6 पंखुड़ियां हैं, इसलिए हम 6 बार वम का उच्चारण करेंगे और अपने स्वाधिष्ठान चक्र में शक्ति का संचार करेंगे। ओम वम 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 ओम। अब हम अपने चित्त को मध्य स्वाधिष्ठान पर लाएंगे, दोनों हाथ गोद में। हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का पोषण प्रभावशाली बुध ग्रह से होता है। अपने चित्त को आकाश से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाएंगे और चित्त की शक्ति से बुध ग्रह का आवाहन करेंगे और चित्त के माध्यम से बुध ग्रह को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर गोल गोल घुमाएंगे। बुध ग्रह के घूमने की गति और स्वाधिष्ठान चक्र के घूमने की गति को एक लय करने का प्रयास करेंगे। दोनों की गति में समरसता आने पर हमारा चक्र धीमे धीमे संतुलित हो रहा है। बुध ग्रह की आभा, बुध ग्रह की किरणें, शुभ दृष्टि अपने स्वाधिष्ठान पर महसूस करेंगे। अब हम महसूस करेंगे कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र पूर्णतया शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल हो गया है। धीरे से चित्त को नाभि चक्र पर ले जाएंगे, श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी को नमन करेंगे, भव सागर पर सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करके मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ के जगदम्बा स्वरूप को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माँ आपकी परम कृपा से मैं निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। माँ मेरे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करके मुझे अपने सभी गुण ज्ञान और शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए माँ। अब चित्त को लेफ्ट हार्ट पर ले जाएंगे, यहाँ विराजमान शिव पार्वती जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे
हे माँ, मैं सदाशिव का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा हूं। आपकी परम कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपया मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए, मुझे मेरा आत्म तत्व प्रदान कीजिए, मुझे शिव तत्व में पूरी तरह से उतारिए माँ। अपने प्रेम रूपी प्रकाश से मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए श्रीमाता जी। चित्त को धीमे से दाएं हृदय पर ले जाएंगे, यहाँ श्री सीताराम जी को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ, कृपया मुझे मर्यादा पूर्ण और कर्तव्य निष्ठ सहयोगी बना दीजिए श्रीमाता जी। अब हम मध्य हृदय में आएंगे और दुर्गा माँ की सभी शक्तियों के साथ विशुद्धि चक्र पर आ जाएंगे। श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करके चित्त को आज्ञा चक्र में ले आएंगे। यहाँ हम यीशु मेरी माता को नमन करेंगे, सभी को सच्चे हृदय से क्षमा करेंगे, अपनी त्रुटियों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगेंगे और श्री यीशु के क्षमाशीलता के गुण को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। धीमे से चित्त को बैक आज्ञा पर ले जाएंगे। श्री महागणेश जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप ही पर ब्रह्म हैं, सृष्टि के आदि और अंत हैं। प्रभु, मुझसे या मेरे पूर्वजों से इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में आपके प्रति कोई अपराध हुए हैं तो कृपया क्षमा करें, मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करें, उन्हें सद्गति दें, मुझे शांति दे। प्रभु, धीमे से चित्त को सहस्रार पर ले जाएंगे। सहस्रार पर माँ के सुंदर और कोमल से शिष्यों को महसूस करेंगे, श्रद्धा के साथ नमन करेंगे और सहस्रार खोलने के लिए माता जी का धन्यवाद करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे सहस्रार से ऊपर के सभी चक्रों को खोल दे, पूर्णतया विकसित कर दे माँ, तथा हमें उनकी अनुभूति प्रदान करें। श्री माता जी, धीमे धीमे चित्त को सहस्रार से 4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु चक्र पर ले जाएंगे। थोड़ा और ऊपर बिंदु चक्र, उससे थोड़ा और ऊपर श्री वलय चक्र पर चित्त को ले जाएंगे। श्री वलय चक्र की चित्त के माध्यम से प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। धीरे धीरे चित्त को माँ की कृपा से और ऊपर उठाएंगे, चित्त को आकाश तक और फिर अंतरिक्ष तक ले जाएंगे। सौर मंडल को देखेंगे, जहां सभी ग्रह अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य देव, चंद्रमा, अरुण ग्रह, वरुण तथा प्लूटो, सभी ग्रहों को नमन करेंगे, क्योंकि ये सभी ग्रह हमें शक्ति प्रदान करते हैं, संतुलन देते हैं और हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। धीमे से चित्त को आकाश गंगाओं से होते हुए शून्य सरोवर तक ले आएंगे। शून्य सरोवर का वातावरण अद्वितीय है, चारों ओर अखंड शांति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित हो रही है। हम देखेंगे कि विशाल काय सदाशिव ध्यान मग्न बैठे हैं,
उनके दैदीप्यमान स्वरूप को साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ जाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, आप शांति का सागर है, आप आनंद का स्रोत है, आप तो आशुतोष है, आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। हे प्रभु, मुझसे पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी आपके प्रति अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए। मैं जैसी भी हूं आपका ही अंश हूं प्रभु, मुझे अंगीकार कीजिए प्रभु। केवल और केवल आपसे एकाकारिता की इच्छा है प्रभु, मेरी अरज सुन लीजिए प्रभु। अब हम स्वयं को एक नन्हे से प्रकाश पुंज के स्वरूप में देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अब हमें अपने अंदर समा लीजिए, समा लीजिए। महसूस करेंगे कि हम सदाशिव के पाए हृदय में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। हम शिवमय हो जाएंगे और हमसे एकाकारिता होने पर निरानंद की दिव्य अनुभूति को महसूस करेंगे, पूर्णता को अनुभव करेंगे। धीमे धीमे साक्षी भाव में आएंगे, प्रभु के चरणों में नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा किया, आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। आपने हमें अनगिनत आशीर्वादों से नवाजा है प्रभु। हमारे रेगिस्तान से तपते जीवन को हरे भरे उपवन में बदलकर उसमें आशा कुसुम जगाए हैं, आशा कुसुम खिलाए हैं प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है प्रभु। अपने आशीर्वादों की मधुर छाओ में सदैव हमें बनाए रखिए प्रभु। अब हम प्रभु के चरणों से बहते हुए परम चैतन्य के झरने के साथ नीचे की यात्रा आरंभ करेंगे, आकाश गंगा से अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रहों को नमन करेंगे और धीरे धीरे आकाश से होते हुए सहस्रार पर आ जाएंगे। आकाश से बहती चैतन्य वर्षा को महसूस करेंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे और माँ का धन्यवाद करेंगे। माँ, आपने हमें सहयोग का वरदान दिया, अपने परम चैतन्य की गंगा में डूबो कर हमें सुंदर सच्चा और परिष्कृत सहयोग। हम आपकी ऋणी है माँ, हमारा सहसार खोलकर परम से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने पारस मणि जैसे प्रेम के स्पर्श से आपने हमें शुद्ध कुंदन जैसा बना दिया है ना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। ऊपर से आती परम चैतन्य की धारा को पूरे शरीर के रोम रोम में महसूस करेंगे, कण कण में महसूस करेंगे। सहस्रार से इसी चैतन्य को अज्ञा चक्र पर विशुद्धि और फिर हृदय चक्र में लाएंगे, माँ को नमन करेंगे। धीमे से चित्त को नाभि चक्र पर होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आएंगे और यहाँ हम ध्यान को कंक्लूड करेंगे और
रामदेव सरस्वती जी के 21 नामों का श्रवण करेंगे। जय श्री माता। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती के 21 नाम। श्री बुद्धि ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महदहंकार ओम त्वमेव साक्षात् श्री महदहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सूर्य ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चंद्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आकाश तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री वायु तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री वायु तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तेजस तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री तेजस तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आप तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आप तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पृथ्वी तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आकाश तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्वीश्वरी साक्षात्
श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अनिल तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनिल तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तेजो तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री तेजो तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री जल तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री जल तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भूमि तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री भूमि तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री हिरण्यगर्भ ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पंच तन्मात्रा ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंच तन्मात्रा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पंचभूत ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंचभूत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विश्व ओम त्वमेव साक्षात् श्री विश्व साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तैजसात्मिका ओम त्वमेव साक्षात् श्री तैजसात्मिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री प्रज्ञात्मिका ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रज्ञात्मिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तुरिया ओम त्वमेव साक्षात् श्री तुरिया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम देवी सूक्त का श्रवण करेंगे जिसमें श्री माता जी ने हमें किस किस प्रकार की शक्तियों से नवाजा है और वो हमारे भीतर स्थित है, तो उसके अर्थ समझते हुए देवी सूक्त का श्रवण करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तंत्रोक्तम श्री देवी सूक्तम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नम प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यः संस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ कितने दिए अवतार विश्व में तेरी महिमा विश्व में तेरी महिमा तो गंगा यमुना माँ जब गुरुआ देना
सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। श्रीयादिशक्ति
माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी सबको सुखी रखे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ, मेरा हृदय मन शरीर पूरी समय आप ही की सेवा में संलग्न है, मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लयन सीधा एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। द प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। आवानम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनि
प्रीतिमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। इसी क्षमा याचना के साथ आज का ये द्वितीय का ध्यान और पूजन का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं। कल 6 बजे ध्यान व पूजन होगा। जय श्री माता जी। श्री माता जी की कृपा सब पे बनी रहे और इस नवरात्रि के विशेष अवसर पे, ये विशेष दिनों में श्री माता जी हर नकारात्मकता हमारे अंदर से निकाल दें। कृपा और प्रार्थना के साथ जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका बेटा सभी भाइयों को। जय श्री माता जी। जय श्री माता। थैंक यू माँ, थैंक यू प्रमला जी, थैंक यू अलका बेटा, बहुत सुंदर ध्यान यात्रा के लिए थैंक यू। जय श्री माता। ध्यान बहुत ही सुंदर ध्यान, थैंक यू प्रमला जी। जय श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता।